हेलो फ्रेंड, तो इस वीडियो में आईसीएसई बोर्ड क्लास 9th का चैप्टर नंबर 22 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की एक्सरसाइज 22A का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड, यहां पर मैंने क्वेश्चन नंबर 7 नोट डाउन कर लिया है। तो चलिए इसमें देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में ये टू पार्ट दिए गए हैं, हमें इनकी वैल्यू फाइंड करके बतानी है। तो चलिए पहले पार्ट वन नीचे नोट डाउन कर लेते हैं। तो पार्ट वन, साइन ए माइनस कॉट ए अपॉन 2 tan A है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो फ्रेंड देखिए, अगर हमें साइन ए और कॉट ए और टेन ए की वैल्यू पता चल जाए और वो वैल्यूज हम लोग यहाँ पर पुट करके सिंप्लीफाई कर लें तो हमें इसका आंसर इजीली पता चल जाएगा। तो लेकिन हम लोग साइन ए कॉट ए और टेन ए की वैल्यू कैसे पता करेंगे? तो चलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बनाते हैं। ये मैंने बना लिया है एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। इसमें बी वाला जो एंगल है वो राइट एंगल है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आप पार्ट वन में देखिए, जो साइन के साथ एंगल है ए है, कॉट के भी साथ में एंगल ए है और टेन के भी साथ में एंगल ए है, तो इस ट्रेंगल में भी हम लोग एंगल ए लेकर के चलेंगे। अब देखिए, हम लोग जो एंगल लेते हैं उसके सामने वाली जो साइड जानते हैं कि परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बी वाला जो है ये राइट एंगल है, तो राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस, डेटी जो राइट एंगल ट्रेंगल में सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है, मैंने लिख दिया। बची हुई साइड वाई ये बेस फिर है नीचे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग इनका परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस ये पता करेंगे। तो चलिए भाई पता कर लेते हैं, कैसे पता करेंगे आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में हमें कॉस ए इजिकल टू 5/13 दिया है। तो और हम लोग जानते हैं कॉस के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो अब हम लोग यहाँ से देख रहे हैं जो कि बेस है वो 5 है, तो बेस की जगह पर हम लोग यहाँ पर 5 लिखेंगे और नीचे देखेंगे हाइपोटेनियस इसका 13 है, तो हाइपोटेनियस यहाँ पर लिख देंगे 13। तो अब बचा है फ्रेंड परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कैसे फाइंड करेंगे? तो तब तक के लिए मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से। तो परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए फार्मूला जो होता है, अंडर रूट के अंदर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस देखिए 13 है, बेस 5 है, तो ये वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देंगे। तो फ्रेंड ये वैल्यूज मैंने यहाँ पर पुट कर दी हैं, थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे आगे। तो अंडर रूट के अंदर मैंने जहाँ पे 13 के ऊपर स्क्वायर लगा के लिखा है वहां पर मैंने इसका स्क्वायर करके लिख लिया है 169। 5 का भी स्क्वायर करके लिख लिया है 25, बीच में देखिए माइनस लगा है, तो हम माइनस कर देंगे। तो चलिए कर लेते हैं यहाँ पर। अब अंडर रूट के अंदर मैंने ये माइनस करके लिख लिया जो कि 144 आया है, तो इक्वल लगाएंगे। अब हम लोग जानते हैं कि जो 144 होता है 12 का स्क्वायर होता है, तो मैंने 12 पे स्क्वायर लगा करके इसे लिख लिया है। अब देखिए ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फ्रेंड यहाँ पर ओनली बचेगा 12। तो फ्रेंड फाइनली हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, परपेंडिकुलर पता कर लिया है जो कि 12 है। तो अगर आप इसे नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लें, मैं इसे हटा देता हूं यहां से। तो चलिए फ्रेंड देखिए, हमें हमें साइन ए कॉट ए और टेन ए की वैल्यू चाहिए। तो चलिए अब तो हम लोग इजीली पता कर पाएंगे साइन ए कॉट ए और टेन ए की वैल्यू। तो चलिए पहले साइन ए की वैल्यू पता करते हैं। साइन इजिकल टू हम लोग जानते हैं साइन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो भाई परपेंडिकुलर यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 है और हाइपोटेनियस 13 है, तो रख देंगे यहाँ पर 12 और हाइपोटेनियस 13 है। तो फ्रेंड यहाँ पर हमने साइन ए की वैल्यू पता कर ली है। चलिए अब हमें कॉट ए की वैल्यू चाहिए, तो कॉट के लिए हम लोग जानते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो चलिए देखिए बेस है इसका 5 तो रख देंगे यहाँ पर, और परपेंडिकुलर 12 है तो ये मैंने रख दिया। तो हमने कॉट ए की भी वैल्यू पता कर ली है। अब टेन ए की वैल्यू पता करेंगे, तो टेन टेन के लिए हम लोग जानते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर देखिए 12 है, रखेंगे, रख दिया है वैल्यू, बेस 5 है, चलिए ये वैल्यू रख लेते हैं। तो ये हमने भाई यहाँ पर टेन ए की वैल्यू पता कर ली। तो फ्रेंड देखिए, हमें यहाँ पर पुट करने के लिए साइन ए कॉट ए और टेन ए की वैल्यू चाहिए थी, जो कि हमने साइन ए कॉट ए और टेन ए की वैल्यू पता कर ली है। अब ये वैल्यूज उठाएंगे, इसमें यहाँ पर पुट कर देंगे और फाइनली सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो चलिए इसे नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो फ्रेंड हम आ गए हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए जो वैल्यूज हमने अभी यहाँ पर फाइंड की थी उन्हें यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये साइन ए कॉट ए टेन ए की वैल्यू अभी मैंने फाइंड की थी, जो कि मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। अब इन वैल्यूज को क्या करेंगे, उठा करके भाई यहाँ पर पुट करेंगे। तो चलिए पुट कर लेते हैं। तो
तो फ्रेंड ये वैल्यूज मैंने यहाँ पर पुट कर दिए हैं, साइन ए की जगह पर 12/13, माइनस बीच में लगा है लगा दिया है, कॉट ए की जगह पर से 5/12 पुट कर दिया है, नीचे डिनोमिनेटर में इसके 2 लिखा था वो एज इट इज मैंने लिख लिया है, 10 ए की वैल्यू यहाँ पर 12/5 पुट कर दी है। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो फ्रेंड ऊपर पार्ट में देखिए मैंने नीचे यहाँ पर से इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराया है, इस 12 की मल्टीप्लाई इस वाले 12 से करा के जब लिखेंगे यहाँ पर तो 144 आ गया, बीच में देखिए माइनस साइन लगा था वो मैंने लगा दिया है, और इस 13 की मल्टीप्लाई मैंने 5 से करा दी है, तो ये 65 मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई करा करके लिख लिया है, और अपान में 13 × 12 को मल्टीप्लाई साइन के साथ में लिख लिया है। और नीचे क्या देखिए ये जो 2 है इस 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये यहाँ पर इसकी जगह पर 24/5 आ जाएगा, तो ये मैंने लिख लिया है 24/5। तो चलिए और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो फ्रेंड यहाँ से मैंने 44 में से 65 को माइनस कर दिया है, तो यहाँ पर 79 बचा है, और यहाँ पर 13 × 12 की मल्टीप्लाई करा ली है तो ये 156 आया है, और अपान में जो लिखा था यहाँ पर 24/5 तो ये मैंने 24/5 लिख लिया है। अब क्या करेंगे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये मैंने 79/156 फ्रेंड लिख लिया है। अब देखिए ये जो नीचे 5 लिखा है ये 79 से मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई के साथ में लिखा जाएगा, और ये जो 24 लिखा है ये 156 से मल्टीप्लाई साइन के साथ में लिखा जाएगा, तो इसे मैंने लिख लिया है। अब इनकी फाइनली मल्टीप्लाई करा लेंगे, 79 की मल्टीप्लाई 5 से कराएंगे और यहाँ पर 156 की मल्टीप्लाई 24 से करा करके लिख लेंगे, तो फ्रेंड फाइनली हमें आंसर मिल जाएगा 395/3744। तो फ्रेंड यही इसका आंसर है, तो फ्रेंड हमने पार्ट 1 का आंसर फाइंड कर लिया है, यही इसका आंसर है। तो चलिए अब पार्ट 2 का भी आंसर फाइंड करते हैं, तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने पार्ट 2 लिख लिया है, तो इक्वल लगा करके क्या करेंगे यहाँ पर देखिए कॉट ए की वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि कॉट ए की वैल्यू 5/12 है ये मैंने रख दी है, और ये आगे मैंने प्लस कर करके 1 लिख लिया है, और 1 के नीचे देखिए हमें कॉस ए की वैल्यू रखनी है, 1 के नीचे कॉस ए की वैल्यू रखनी है, तो भाई यहाँ पर कॉस ए की तो वैल्यू है नहीं, कोई बात नहीं फ्रेंड, तो देखिए जो क्वेश्चन है क्वेश्चन में ही कॉस ए की वैल्यू दी गई है जो कि 5/13 है, तो यहाँ पर रख देंगे कॉस की वैल्यू, तो ये मैंने रख दिया है 5/13, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखिए इसे तो हम लोग 5/12 एज इट इज ऐसे ही मैंने नोट डाउन कर लिया, बीच में प्लस साइन लगाएंगे। अब देखिए जो नीचे 13 है ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये यहाँ पर 13/5 आ जाएगा। अब हम लोग फ्रेंड इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे, यहाँ पर 5/5 = 25 आ जाएगा, लिख देंगे, बीच में प्लस साइन है तो लगा देंगे यहाँ पर, और 12 की मल्टीप्लाई 13 से जब होगी तो यहाँ पर भाई फ्रेंड 56 आ जाएगा, और यहाँ पर 5 × 12 की मल्टीप्लाई नीचे लिख लेंगे जो कि 12 × 5 = 60 आ जाएगी। अब ऊपर वालों को प्लस कर करके लिख लेंगे भाई यहाँ पर, जब 25 और 156 को प्लस करेंगे तब 180 बना जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में 60 है लिख लेंगे। अब जब आप 60 से 181 को डिवाइड करेंगे तो इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन के साथ में आंसर आ जाएगा 3 and 1/60। तो फ्रेंड यही इसका आंसर है, तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल की प्लेलिस्ट पर भी विजिट करें। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो फ्रेंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।